उत्तराखंड का हिंदू संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जैसे कई सिद्ध तीर्थ स्थल हैं। सारी दुनिया में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, परंतु उत्तराखंड स्थित पंच केदार सर्वोपरि है। शास्त्रों में उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम का बड़ा ही महात्म्य बताया गया है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसे एक नहीं बल्कि चार और केदार है जिनका धार्मिक महत्व केदारनाथ के बराबर है। इन सभी धामों के दर्शन से व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है। इन स्थानों में तुंगनाथ के महादेव रुद्रनाथ, श्री मध्य महेश्वर एवं कल्पेश्वर प्रमुख है। भगवान शिव के ये चार स्थान केदारनाथ के ही भाग हैं। शिव पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने कुल परिवार और सगोत्र बंधु बांधवों के वध के पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ तप करने आए थे। ये आज्ञा उन्हें वेदव्यास ने दी थी। पांडव स्वगोत्र हत्या के दोषी थे, इसलिए भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव ज्यों ही महिष यानी कि भैंसे का रूप धारण कर पृथ्वी में समाने लगे, पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। महाबली भीम ने उनको धरती में आधा समाया हुआ पकड़ लिया। शिव ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए और पांडव गोत्र हत के पाप से मुक्त हो गए। उस दिन से महादेव शिव पिछले हिस्से से शिला रूप में केदारनाथ में विद्यमान है। उनका अगला हिस्सा जो पृथ्वी में समा गया था वो नेपाल में प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार उनकी बाहु तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। चलिए दोस्तों अब जानते हैं भगवान शिव के पंच केदारों के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप ये वीडियो पहली बारी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जुड़े रहिए ऐसे ही रहस्यमय, अमानवीय और अविश्वसनीय कहानियों और तथ्यों से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। पहला, केदारनाथ। ये मुख्य केदार पीठ है। इसे पंच केदार में से प्रथम कहा जाता है। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होने पर अपने ही कुल के लोगों का वध करने के पापों का प्रायश्चित करने के लिए वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडवों ने यहीं पर भगवान शिव की उपासना की थी। यहाँ पर महिष रूपधारी भगवान शिव का पृष्ठ भाग यहाँ विशाल रूप में स्थित है। दूसरा, मध्यमेश्वर। इन्हें मनमहेश्वर या मदन महेश्वर भी कहा जाता है। इन्हें पंच केदार में दूसरा माना जाता है। ये उसी मठ से 18 मील दूरी पर है। यहाँ महिष रूपधारी भगवान शिव की नाभि लिंग रूप में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी मधुचंद्र रात्रि यहीं पर मनाई थी। यहाँ के जल की कुछ बूंदे ही मोक्ष के लिए पर्याप्त मानी जाती है। तीसरा, तुंगनाथ। इसे पंच केदार का तीसरा माना जाता है। केदारनाथ के बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर भगवान शिव की भुजा शिला रूप में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वयं पांडवों ने करवाया था। तुंगनाथ शिखर की चढ़ाई उत्तराखंड की यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई मानी जाती है। चौथा, रुद्रनाथ। ये पंच केदार में चौथे हैं। यहाँ पर महिष रूपधारी भगवान शिव का मुख स्थित है। तुंगनाथ से रुद्रनाथ शिखर दिखाई देता है, पर ये एक गुफा में स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचने का मार्ग बेहद दुर्गम है। यहाँ पहुँचने का एक रास्ता हेलंग यानी कि कुम्हार चट्टी से भी होकर जाता है। पांचवा, कल्पेश्वर। ये पंच केदार का पांचवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर महिष रूपधारी भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है। अलकनंदा पुल से 6 मील पार जाने पर ये स्थान आता है। इस स्थान को उसगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के गर्भगृह का रास्ता एक प्राकृतिक गुफा से होकर जाता है। तो दोस्तों अभी जाना आपने पंच केदार के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम आपसे 11,000 लाइक्स की उम्मीद रखते हैं। 11,000 से ऊपर भी लाइक्स अब दे सकते हैं, इसमें हमारे तरफ से कोई रोक ठोक नहीं है। अगर आप लाइक कर ही रहे हैं तो ऐसे तथ्यों को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। इसी तरह के और भी कहानियों और तथ्यों से रूबरू होने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज। नमस्कार, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।